बिना मिट्टी और बिना खाद के फ्लावरिंग आपने होते देखा है क्या कभी? तो ये देखिए, ये है एडेनियम का प्लांट्स और बिना मिट्टी और खाद के इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, किस चीज में ये लगा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स ये है एडेनियम के प्लांट्स और ये है एडेनियम्स की कटिंग, मतलब कि इसको मैं कटिंग से लगाई हुई हूँ। तो ये देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसको मैं खुद ही लगाई हूँ कटिंग से। तो कुछ कटिंग्स मैंने लगाए थे तो कुछ कटिंग्स सक्सेस हुए हैं और कुछ कुछ कटिंग्स सक्सेस नहीं भी होते हैं, सारे के सारे कटिंग्स सक्सेस नहीं होते हैं। तो कटिंग से लगा हुआ प्लांट आपको पता भी चल रहा होगा, इसमें कुडेक्स नहीं बने होते हैं और जो सीड से ग्रो होता है उसमें क्यूडेक्स बने होते हैं। तो ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और ये भी कटिंग से ही लगा हुआ, लेकिन ये मिट्टी में लगा हुआ है। ये देखिए मिट्टी जो सॉइल मिक्सचर एडेनियम्स के प्लांट के लिए तैयार करते हैं, मिट्टी बालू सैंड वगैरह जो सब उसमें लगा हुआ। लेकिन ये जो प्लांट लगा हुआ है ये भी एडेनियम ही है और कटिंग से ही लगा हुआ एडेनियम है। और ये देखिए किस चीज़ में लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ सैंड डाला हुआ, इसमें मिट्टी नामात्र का भी नहीं डाला हुआ। इसमें मिट्टी और इसमें कोई भी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ सैंड में लगाई हूँ। और इसमें कभी कभी बस वही फंगीसाइड्स डाला जाता था, मतलब जब लगाते हैं तो फंगीसाइड डाला जाता है, बीच में कभी कभी एक आध बार इसमें फंगीसाइड डालनी पड़ती है ताकि फंगस ना लगे। लेकिन इसमें कोई भी थोड़ी सी भी ना मात्र की भी मिट्टी और इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मैंने कभी नहीं इसमें डाला, कुछ भी नहीं। लेकिन ये देखिए कितना हेल्दी है। तो ये तीन कटिंग्स इसमें है और ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार है, लेकिन मैं रिपोर्टिंग नहीं की हूँ, कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है, शिफ्टिंग करनी है, तो फिर तीन पॉट हो जाता तो रिपोर्टिंग मैंने नहीं किया। और इसी में ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है, देखिए ऊपर से दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए। तो इस तरह से इसी में ब्लूमिंग हो रही है। तो ये तीन कटिंग्स में से एक में ब्लूमिंग हो रही है और ये इधर देखिए ये दूसरा कटिंग्स है यहाँ, तो इसमें भी पूरे बर्ड्स बने हुए हैं। तो अब इसमें भी ब्लूमिंग होगी और देखिए ग्रोथ भी अच्छी है, हेल्दी भी लग रहा है प्लांट भी, ऐसा नहीं कि प्लांट बुझा बुझा सा है, प्लांट भी हेल्दी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिना मिट्टी के भी एडेनियम को आप ग्रो कर सकते हैं और फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट को लगा दिए और उससे फ्लावरिंग नहीं ले पाए, लेकिन फ्लावरिंग भी हो रही है। कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके फ्लावर्स, देखिए इसमें चार खिले हुए हैं और ये भी कटिंग से ही लगा हुआ, लेकिन इसकी मैं रिपोर्टिंग की थी। तो ये देखिए इसमें सॉइल भी डाला हुआ है, तो इसमें तीन फ्लावर्स मतलब खिले हुए थे, एक टूट गया है वीडियो बनाने के पहले ही। तो इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है, इसमें अभी दो बच्चे हुए हैं और दोनों कलर भी सेम सेम है और प्लांट्स में भी कोई अंतर नहीं, ये मिट्टी में है और ये सैंड में। लेकिन थोड़ी सी इसमें देख रहे होंगे कि कुछ की लीव्स, इसकी लीव्स ग्रीन लग रही है, इसकी लीव्स जो है थोड़ी हल्की लग रही है, तो ये तो पता नहीं क्यों। लेकिन बिना मिट्टी और फर्टिलाइज़र के भी एडेनियम्स में ब्लूमिंग होती है, एडेनियम्स को हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें हो रही ब्लूमिंग? तो बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स भी लग रहे हैं। तो एडेनियम्स एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आप बिना मिट्टी और बिना खाद के भी ग्रो कर सकते हैं और फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो उधर देखिए मेरे एडेनियम्स के प्लांट हैं, बड़े बड़े से हैं और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग भी हो रही है। तो वो सब तो जैसे इसके लिए सॉइल प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो सब में लगे हुए हैं। तो यहीं पे जो एक है वो सॉइल में लगा हुआ है और दूसरा सिर्फ सैंड में लगा हुआ है, फिर भी इतनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है। तो ये सब कटिंग्स जो है मेरे मार्च के ही लगे हुए हैं और वो तो पहले का है, ये मार्च का ही लगा हुआ है और रिपोर्टिंग मतलब इसको हम कर सकते थे, लेकिन रिपोर्टिंग मैं अभी नहीं की हूँ, अब इसकी रिपोर्टिंग मैं फरवरी मंथ में ही करूँगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर
क्योंकि अब जो ये अडेनियम्स के प्लांट्स होते हैं, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो फिर उस समय अडेनियम्स को कुछ भी नहीं करना चाहिए, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये जो लगा हुआ कटिंग्स है रिपोर्टिंग कर देंगे तो हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो अक्टूबर मंथ में आप करना चाहें तो रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नहीं करें, क्योंकि ये इंडिया का जो वेदर होता है तो नवंबर से फिर धीरे धीरे ठंड स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे दिसंबर जनवरी आती है तो ठंड बढ़ती ही जाती है। तो इन दिनों अडेनियम्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करें, कुछ भी इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये समय होता है इनके रेस्ट का। तो इसमें ना खाद डालें ना रिपोर्टिंग प्रूनिंग करें, और पानी इन्हें बहुत ही कम डालें ठंड के दिनों में, पानी लगभग 1 सप्ताह बाद ही दें। वो चेक कर कर देना होता है, मिट्टी अगर 1 इंच से 1.5 इंच तक सूखी रहती है तभी डालें। तो गार्डनिंग एक एक्सपीरियंस है, तो कोई भी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो धीरे धीरे उस प्लांट के बारे में आप खुद ब खुद जानते जाएंगे कि इस प्लांट को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, इसके लिए और क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि ये मैं सैंड में तो हमेशा कटिंग्स लगाती ही थी, तो सैंड में कभी कभी हुई है हल्की फल्की ब्लूमिंग भी, लेकिन देखिए इसमें कैसी ब्लूमिंग हुई है, जैसे एक आध दो फूल खिल गए, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है, जैसे लग रहा है इस प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह की हुई है, सॉइल में लगा हुआ हो। और जैसे कि ये जो कटिंग से लगा हुआ, तो कटिंग्स में और भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है कि कटिंग्स में पानी बहुत ही कम देने की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाएगा, कटिंग सक्सेस नहीं होते हैं, और सक्सेस होने के बाद भी स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पानी देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ओवर वाटरिंग से तो ऐसे ही ये प्लांट ख़राब होता है, लेकिन कटिंग्स में अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं हमेशा तो फिर ये कटिंग्स जो है वो सड़ जाएगा। तो इसकी केयर के तौर पर बीच बीच में केवल इसमें फंगीसाइड्स डालना होता है, जो साफ का फंगीसाइड्स आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर को भी घोलकर इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।